हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट रिव्यू। मैं बात कर रही हूँ मैक कॉस्मेटिक फाउंडेशन की, मैक स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन की बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। टोटल मेरे पास में इसके 5 शेड्स हैं। आउटर पैकेजिंग इसके कुछ इस तरीके की रहती है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, मैट फिनिश की इसकी पैकेजिंग रहती है और सिंपल सी पैकेजिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है। और यहाँ पर लिखा रहता है इसका शेड नंबर NC12, इसका शेड नंबर है। और इसके फ्रंट पे लिखा रहता है NC12 स्टूडियो फिक्स फ्लूड SPF 15। इस फाउंडेशन में आपको SPF भी मिल जाता है, तो अभी समर है तो SPF वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना ही सेफ रहता है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग कि इसमें हमें SPF भी मिल जाता है, को इसकी MRP और सब कुछ मिल जाता है। एंड यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स में मुझे कहीं पर भी कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं दिख रहे हैं। SLS, सल्फेट, पैराबिन, ऐसा कुछ भी मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखा है। और इस साइड में लिखा रहता है 24 आवर वियर बिल्डेबल फुल मैट कवरेज ऑयल एंड शाइन कंट्रोल 24 आवर्स। तो यही सब कुछ लिखा रहता है और यहाँ पर आपको इसका कोड मिल जाएगा एंड यहाँ पर शेड नंबर लिखा रहता है। तो हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस है वो 2900 है और इस प्राइस में हमें 30 ml प्रोडक्ट मिलता है और इसकी शेल्फ लाइफ 3 इयर्स की रहती है। और ये जो ब्रांड है, ये जो प्रोडक्ट है, मेड इन कैनेडा से हैं। अंदर से कुछ इस तरीके की बॉटल मिलती है हमें, ट्रांसपेरेंट बॉटल है ये, हमें ग्लास बॉटल मिलती है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आप इजीली अपना शेड यहाँ से देख सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि हमें अपना शेड लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी जो कैप है ये मैट फिनिश में रहती है और इजीली स्लिप नहीं होती है हमारे हाथ से, ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहती है। कुछ इस तरीके की इसकी कैप है और ये जो कैप है ये प्लास्टिक की नहीं है। हमें इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक कर देना है ताकि प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसका यूज़ करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ, फर्स्ट थिंग कि मैक ऐसा ब्रांड है जो कि प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है और इसकी इतनी सारी कॉपीज़ मार्केट में मिलने लग गई है कि हम बिल्कुल नहीं पता कर पाते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है, डुप्लीकेट है। और कई बार आप इतना ज़्यादा मनी पे करके और फेक प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आपने फेक प्रोडक्ट परचेस किया है, क्योंकि वो इतने सिमिलर होते हैं कि कोई डिफरेंस हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो इसीलिए आप इस तरह के फेक प्रोडक्ट्स नहीं परचेस करें। दैट्स वाई मैंने मेक फाउंडेशन के ऊपर पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसमें कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिफरेंसेस बताएं ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में। तो आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद में उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना ताकि आप इस तरह का फेक प्रोडक्ट लेने से बच सकें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास में कौन कौन से शेड हैं। तो मेरे पास में टोटल 5 शेड्स हैं, 2 शेड डार्क हैं और 3 लाइट शेड्स मेरे पास हैं, ताकि मैं इनको मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकूं। एंड इन फाउंडेशन में आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होंगे, आप फेयर स्किन से लेके डीपर डस्की स्किन तक में आपको शेड्स अवेलेबल हो जाएंगे। शेड्स की काफ़ी अच्छी रेंज है इसमें। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि कैसा हमें प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें आपको कोई भी स्पैचुला, पंप, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप लेना चाहो तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, आपको इस तरह से ही अपना प्रोडक्ट निकाल के यूज़ करना पड़ेगा। लाइक हमें 500-600 में भी इतने अच्छे फाउंडेशन मिल जाते हैं, हमें उसमें स्पैचुला मिलता है, पंप मिलता है, पर इसमें हम 3000 पे कर रहे हैं मगर कुछ नहीं मिलता है। बस यही प्रॉब्लम है ना कि आप इस तरह से निकालोगे तो कभी कभी ज़्यादा भी निकल सकता है। कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर रहता है, बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है बट बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी इसकी नहीं। आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। इस साइड में और इस साइड में डिफरेंस देख सकते हो, ये मेरी स्किन टोन से बहुत मैच करता है वो फाउंडेशन, इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा बट फिर भी विजिबल डिफरेंस आपको दिख रहा है इस साइड में और इस साइड में। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगाया था, कुछ ज़्यादा पसंद आने वाली इसकी फ्रेग्रेंस नहीं है, थोड़ी सी इसकी हार्श फ्रेग्रेंस है, तो जिनको खुशबू पसंद नहीं है तो उनको थोड़ी सी इसकी स्मेल इरिटेट कर सकती है। तो अब मैं आपको इसे अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है, सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगा रखी है। अभी मैं प्राइमर लगाऊंगी, स्टिक वर्किंग का प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ। पर मैं अपना फाउंडेशन ले लूँगी।
इतना फाउंडेशन लिया है मैंने अपने फुल फेस के लिए, तो मैं कोई भी करेक्शंस नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट फाउंडेशन ही अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने हाफ फेस पे पहले लगाऊंगी ताकि आप डिफरेंस अच्छे से देख सकूँ। एंड या मैंने अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन लिया है, इसका एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने, भी आपको मेरा फेस मतलब बहुत नहीं बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है, मैं खुद देख सकती हूँ कि मेरा फेस कितना अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पेंट कर दिया है फेस पे। सकते हो कि ब्लेंड ये बहुत अच्छे से हो गया है और मेरे यहाँ पर जो भी रेडनेस थी, कुछ डार्क स्पॉट्स थे, सभी को बहुत ही अच्छे से इसने कवर कर दिया है। डार्क सर्कल्स को भी इसने मेरे मतलब 90% तक कवर कर चुका है ये, बिना मैंने कोई भी करेक्शंस किए, फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई किया था। थोड़े बहुत देखो मुझे डार्क सर्कल्स भी है, बट यहाँ वाली साइड में इसने कवर कर दिए हैं डार्क सर्कल्स और बिल्कुल मैट फिनिश दी है। तो दोनों साइड मैंने फाउंडेशन कंप्लीट कर दिया है। तो ये जो फाउंडेशन है ये मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, इसे बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं कहेंगे, आप इसे बिल्डअप कर सकते हो और इसकी कवरेज बिल्कुल बढ़ा सकते हो। तो सबसे मेन रीज़न कि मैंने इतना अपनी स्किन टोन से लाइटर शेड क्यों लगाया, ये मेरी स्किन टोन से 1 से 2 टोन लाइटर शेड है, तो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ऑक्सीडाइज होता है। जी हाँ, ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है और आपकी स्किन टोन से 1 से 1 टोन डार्क हो जाता है, तो इसलिए मैंने अपनी स्किन टोन से 1 से 2 टोन लाइट शेड लगाया है ताकि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो मेरी स्किन से बिल्कुल मैच कर जाए। फाउंडेशन लिया था उसमें से भी इतना फाउंडेशन बच गया है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं किया है मैंने, बिल्कुल लाइट बेस बनाया है और स्किन को बिल्कुल मैट फिनिश देता है और शाइन को कंट्रोल करता है। तो जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि फुल कवरेज फाउंडेशन, तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है। क्लेम करते हैं 24 आवर, तो जी हाँ, स्टेइंग पावर इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को स्टे करके रखता है। तो इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसको यूज़ करने के बाद में अपने फेस पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक बहुत से फाउंडेशन ऐसे होते हैं जिनसे आपको कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं, तो मुझे इसके साथ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इचिंग होने लग गई या फिर लगाते ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो। लाइट वेट फाउंडेशन है, मतलब मुझे अभी कोई फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने अपने फेस पे कोई फाउंडेशन लगाया है या फिर मेरी स्किन पे फाउंडेशन की लेयर लगी हुई है, बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है ये। इस फाउंडेशन को जब आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पूरे फेस पे एक ही साथ में नहीं लगाएं, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है। अगर आप इसे धीरे धीरे ब्लेंड करोगे तो आपका एक साइड का फेस पूरा ड्राई हो जाएगा और फिर आपको ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आप हाफ़ फेस पे पहले लगाएं और फिर हाफ फेस पे लगाएं और बहुत ही क्विकली आपको इसे ब्लेंड करना होता है। आपको इसका यहाँ पर स्वॉच करके दिखाती हूँ ताकि मैं आपको इसका आफ्टर स्वॉच दिखा सकूँ कि ये कितना ऑक्सीडाइज हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 5 शेड के स्वॉचेस कर दिए हैं और कुछ देर बाद में मैं फिर से इन पर स्वॉच करूँगी ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि ये कितना ऑक्सीडाइज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फाउंडेशन को लगाए हुए मुझे 4 घंटे हो चुके हैं, मुझे आपको इसका वियर टेस्ट बताना है, इसलिए मैंने अभी तक इसे रिमूव नहीं किया, अपने फेस पे लगा के रख रखा है ताकि मैं आपको इसका वियर टेस्ट भी करके दिखा सकूं। तो अभी 4 आवर्स हो चुके हैं बेस को फाउंडेशन को लगे हुए और आप देख सकते हो कि अब ये फाउंडेशन मेरी स्किन टोन से कितना मैच कर रहा है, बिल्कुल भी वाइट नहीं लग रहा है और बिल्कुल स्किन का जो कलर था उसके साथ में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है।
आपको मैंने पास से भी दिखाया कि फाउंडेशन कैसा दिख रहा है। सबसे फर्स्ट मुझे अपने फेस पे 4 घंटे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन लगा रखा है या फिर कोई भी बेस लगा रखा है, बिल्कुल भी नहीं लगा। बिल्कुल लाइट वेट स्वेटिंग जो नॉर्मली भी होती है ना, उससे भी कम स्वेटिंग हुई थी। वाटरप्रूफ तो ये फाउंडेशन है ही। मैंने अपने बेस को ना कॉम्पैक्ट से सेट किया ना ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट किया, जो भी है सिर्फ फाउंडेशन लगा हुआ है, हल्का सा ब्लशर लगाया और हाइलाइटर लगाया मैंने, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद में कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल क्रीज नहीं किया है। माउथ लाइन बिल्कुल क्रीज नहीं हुई है, अंडर आई पे हल्का फुल्का सा क्रीज हुआ है जो कि नॉर्मल है, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल भी पाउडर सेटिंग के साथ में सेट नहीं किया था, तो ये क्रीज तो होगा ही क्योंकि 4 घंटे हो चुके हैं और किसी के साथ सेट नहीं किया था। तो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होगे कि कैसा फाउंडेशन है ये और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बट अगर किसी अच्छे फाउंडेशन की तरफ आप जाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस फाउंडेशन को परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है बट उसमें आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको। और ये रहे इसके हैंड स्वॉचेस, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप अच्छे से देख सकोगे कि कितने ये ऑक्सीडाइज हुए थे। तो ये था मेरा फुल डिटेल रिव्यू मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15 फाउंडेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।